हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने पीएम के फैसले की तारीफ की है, वहीं विपक्षी नेताओं ने भी 3 मई तक के लॉकडाउन का समर्थन किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। कोरोना के जंग में जिताने का इसमें संकल्प था। पिछले 21 दिनों में जनता के सहयोग से बहुत कुछ देश ने हासिल किया है, लेकिन कोरोना को पूरी तरह से भगाने का यह दृढ़ निश्चय है और 3 मई तक यह लॉकडाउन रहेगा, बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है जनता इसका शतशाह पालन करेगी। हम दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। हमारे पास एक ही शस्त्र था, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो था संयम और अनुशासन की दम पर हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, एक प्रकार से मध्यांतर है कि 23 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार लगातार कोरोना संक्रमण के संकट से लड़ रही है, सफलतापूर्वक लड़ रही है और आगे भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार उसका इम्प्लीमेंट कराएगी। इस कोरोना वायरस से मुक्त होने के लिए लड़ाई में सब मिलकर के अपने अपने स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इस बीच में सब लोगों को सहयोग देना चाहिए, घर रह कर और नियमों का पालन करें। जो उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया जाए। सही फैसला है, बगैर लॉकडाउन के ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सारा देश चिंतित है, पूरी दुनिया परेशान है। इन हालात के अंदर हमारे देश के अंदर लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो देखा आपने, इस बार विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा हुआ है, लॉकडाउन बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प।